हाय फ्रेंड, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन हमारे भैया ने हमसे आज पूछा था। एक सूरज भैया हैं जिन्होंने हमसे आज पूछा था कि ये क्वेश्चन उनका था कि यदि हमारे पास 60 वाट एवं 100 वाट के दो बल्ब हैं, ठीक है, तो दोनों बल्ब में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, तो दोनों बल्ब में किसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस एक ही होता है, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि इनमें से दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें कि इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि किसका प्रतिरोध अधिक होता है, किसका प्रतिरोध कम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक 100 वाट का और एक 60 वाट का जो दो अलग अलग लाइन कर दिया है, अब इसमें हम हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके फार्मूले के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड हम कई फार्मूले यूज कर सकते हैं, जैसे कि पी इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, और जैसे कि वी इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, और जैसे कि पी इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। इन तीन फार्मूलों से लगभग हम निकाल सकते हैं, और भी फार्मूले हो सकते हैं, मगर इन तीन फार्मूलों में से हम किसी भी फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम 100 वाट के बल्ब का हम निकालते हैं कि 100 वाट के बल्ब का जो है कि वो रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी का मतलब होता है पावर, शक्ति। ठीक है, तो पी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो P इक्वल टू मेरा शक्ति कितना है, 100 वाट। ठीक है, 100 वाट उसका पावर है। ठीक है, 100 वाट, तो यहाँ पे हमारा 100 हो गया। और ये मेरा जो बल्ब जलने वाला है वो मेरा है 220 वोल्ट से जलना, तो यहाँ पे वोल्टेज मांग रहा है, V बराबर वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे V इक्वल टू हम वोल्टेज ले लेते हैं 220 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से मेरा यहाँ वोल्टेज हो गया। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, अब मेरा बचा R। ठीक है, R निकालना है मुझे कि R बराबर क्या होगा, तो हम अब आपको दिखाएंगे कि इसको हल कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप इस सूत्र पे हम इसको रखेंगे, तो इस फार्मूले पे हम रखते हैं, तो मेरा यहाँ पे P इक्वल टू 100 वाट है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर इक्वल टू क्या करते हैं कि वी बराबर कितना है, 220 वोल्ट, तो यहाँ पे 220 इंटू 220। यहाँ पे इंटू मैंने इसलिए किया है क्योंकि वी स्क्वायर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटू कर देंगे 220 इंटू 220। ठीक है, और बट्टे में आर। ठीक, और यहाँ पे फिर आगे हम क्या करेंगे कि एक तिरछा गुणा कर देंगे, हाँ ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 100 इंटू आर इक्वल टू 220 इंटू 220। ठीक है, ये 220 इंटू 220 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचेगा, R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 बटे 100। ठीक है, यहाँ पे हो गया बटे 100। तो आगे हम देखेंगे कि इसको देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हम एक जीरो से इसका एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से इसका एक जीरो काट देंगे, तो हम हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, तो R इक्वल टू 22 गुणे 22 करेंगे, जब हम 22 गुणे 22 करते हैं तो मेरा क्या आता है 484। ठीक है, यहाँ पे मेरा R इक्वल टू 484 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे 100 वाट के बल्ब का जो है वो 484 ओम मेरा यहाँ पे 484 मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम 60 वाट के बल्ब का भी निकालते हैं कि 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम आ जाते हैं 60 वाट के बल्ब के रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे हम ये वही सूत्र लिख देते हैं कि पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पी इक्वल टू क्या है वहाँ, यहाँ पे 60 वाट। ठीक है, और वोल्ट वी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 220 वोल्ट, और R इक्वल टू क्या है ये बताना है हमें। ठीक, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे P इक्वल टू 60 वाट है, तो यहाँ पे हम 60 वाट ले लेते हैं, और इक्वल टू V स्क्वायर है, तो 220 इंटू 220। ठीक, और बटे में R। ठीक,
हाँ बटे में आर हो गया, आर तो हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे फिर वैसे ही करेंगे जैसे हम 108 में किए थे। इसका हम तिरछा गुणा करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि 60 इंटू आर, ठीक, अब बराबर 220 इंटू 220, ठीक, 220 इंटू 220 हो गया। तो अब क्या बचा, अब हमको क्या करना है कि 60 को इस तरफ भेजना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 60, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि 60 एक जीरो है, एक जीरो से हम एक जीरो को कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 220 का हम 22 में गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम 220 का 22 में गुणा करते हैं तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 48 और 40, ठीक, तो मेरा यहाँ पे आ गया 4840। फिर अब यहाँ पे बटे में 6 बचा हुआ है तो बटे 6, और जब हम इसका भाग करेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे हम करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 806.66, ठीक है। और ये जो है ये मेरा 6.6 ओम है, ठीक, ये मेरा हो गया ओम। तो यहाँ पे क्या है, R इक्वल टू 806.66 ओम हो गया। तो हमें क्या पता चला है, हमें ये पता चला कि ये क्या है, जैसे जितना शक्ति जिसका जितना ही अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जिसका शक्ति जितना ही कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ